बाद बड़ी खबर की लगातार। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला आया है। वैज्ञानिक परीक्षण मामले में ये फैसला, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। जी हाँ, हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका डाली गई थी, इजाजत मांगी गई थी कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए कथित शिवलिंग की, ताकि शिवलिंग की सही उम्र का पता लगाया जा सके, उसकी लंबाई का पता लगाया जा सके, और वो भी वैज्ञानिक तरीके के साथ इस परीक्षण के बेसिस पर। लेकिन अब इसे मना कर दिया गया है, इजाजत नहीं दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग, दरअसल जिसकी मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही थी, उसे इनकार कर दिया गया है, वो नहीं होगी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से इस मामले में दोनों पक्षों की सारी बातें सामने आने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, और फैसला जब पढ़कर सुनाया गया तो ये स्पष्ट हुआ कि कार्बन डेटिंग की जो मांग की जा रही थी, ये जो बाकायदा इसके मद्देनजर याचिका डाली गई थी, उसे खारिज कर दिया गया है। एएसआई से दरअसल वैज्ञानिक पद्धति से कार्बन डेटिंग यानी ये जांच कराने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। दरअसल कार्बन डेटिंग के जरिए वायुमंडल में कार्बन के जो तीन आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन डेटिंग में कार्बन 12 और 14 की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्जेक्ट में मौजूद कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच का जो रेशियो होता है वो निकाला जाता है, और कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और इसकी आधी उम्र 5730 साल की होती है। कार्बन 14 आइसोटोप की जो कैलकुलेशन है लगाया जा सके, लेकिन वैज्ञानिक परीक्षण मामले में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया।